Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing indefinite integration, which is a very very important part of calculus. Iske aage ki jitni bhi topics hain, jitne bhi topics hain, wo sab aapko agar sahi se karna hai, to you have to make sure that you are regular and consistent in practice. You are regular with the class and you are consistent in practice. Theek hai, properly questions ko karte raho. करते रहोगे. बहुत इनोवेटिव, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इसी के बेसिस पे डेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, एरिया अंडर बाउंडेड रीजंस करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस करोगे, सब कुछ इसी पे बेस्ड है. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इट्स ड्यू इम्पॉर्टेंस. जितनी इम्पॉर्टेंस इस टॉपिक को देनी चाहिए उतनी आप इसको प्रैक्टिस के दौरान दे रहे हैं. ठीक है, आज हम लोग रैशनल फंक्शन समझेंगे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट. आपने तीन टाइप के मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, जिनमें से एक टाइप हमने अभी थोड़ा सा देखा था लास्ट क्लास में. दैट वाज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट. जब हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसे पहले इंटीग्रेबल फॉर्म में बनाते हैं, राइट. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ओके. एंड देन टुडे दैट वी आर डूइंग राइट नाउ इज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, हालांकि आर डी शर्मा बुक में ये आगे दे रखा है, बट क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें मिल जा रहे हैं जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा आसानी से डील कर सकते हैं, तो लेट अस लर्न दिस मेथड. एंड द थर्ड मेथड, द लास्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, आप कह सकते हो इट इज एनालॉगस टू द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट यू हैड इन द डिफरेंशिएशन थिंग. ठीक है, तो आइए, हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करा था, कुछ क्वेश्चन किए थे, आपने कुछ डाउट पूछे थे, एंड वी डिस्कस इट आउट, राइट. पार्शियल फ्रैक्शन हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. पार्शियल फ्रैक्शन में क्या चीजें हैं, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ये सारी बातें हम देखेंगे. देखो, पार्शियल फ्रैक्शन की अगर तुम देखना चाहो तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन से ही बेस्ड है. जैसे अगर मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन है, लेट्स से स्मॉल एफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन इज लेट्स से कैपिटल एफ एक्स, राइट, प्लस सी. So, हमने इस बात को देखा था कि अगर हमारे पास कभी भी ए एक्स प्लस बी का फॉर्म आ जा रहा है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स माइनस बी, कुछ भी ऐसा, सो इसकी इंटीग्रेशन क्या बताई थी मैंने, वही सेम हो जाएगी, बस सिर्फ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड किससे करते हैं, ए से. ये हमने सब्स्टिट्यूशन में इसको प्रूफ के साथ देखा था. आई होप यू रिमेम्बर दैट, आपकी प्ले लिस्ट में अपलोडेड भी है. ठीक है, अब इसी बात को अगर हम ध्यान रखते हैं और अगर मैं आपसे कहता हूँ बताओ वट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 7x plus 5. So I hope that your answer would be log, natural log 7x plus 5 divided by 7 plus c. ठीक है, I hope you know that. ठीक है, similarly अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपके पास ये कहते हैं 7x plus 5 whole 7, कुछ भी ऐसा, right, raised to the power n except for minus 1, ठीक है, तो उसके इसमें log हो जाता है, कुछ भी 7, 8, 2, 3, 4, 5, कुछ भी ऐसा है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा बताओ, दिस विल बी 7x प्लस 5 रेज टू द पावर n प्लस 1, n कितना है, माइनस 7, माइनस 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 6 प्लस c. तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसका आंसर ऐसे ही लिखोगे दैट दिस इज माइनस ऑफ 6 इंटू 7x plus 5. देखो, हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी ना, a से डिवाइड भी करना था, ये कितना था आपके पास 7, ठीक है, तो ये जो 6 लिखा है मैंने, ये मुझे क्या लिखना चाहिए था, 42 लिखना चाहिए था. ठीक है, we cannot forget that a, always remember that, ठीक है, whole raised to the power 6 plus c. So I hope ये substitution से ये वाली बात तुम्हें याद आ रही होगी, right, I'm sure you are getting all that. But then अभी क्या था, हमारे पास नीचे एक फ्रैक्शन था, चाहे उसकी पावर 1 थी या उसकी पावर 7 है, कुछ भी ऐसा था, राइट. लेकिन अगर आपके पास इंटीग्रेशन करने को कुछ और आ गया, जहां ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, राइट, ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो कैसे डील करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आ गया लेट्स से 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है. अगर ये हमें इंटीग्रेट करने को देते हैं तो इसका कैसे डील करना पड़ेगा, अब ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, अब तो डायरेक्टली कुछ हो नहीं पाएगा. ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के जनरली दो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, यू हैव टू स्टैंडर्ड मेथड्स, राइट। एक जो बेसिक मेथड होता है वो ये होता है कि आप ना कुछ इसको इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का कुछ ऐसा फॉर्म कन्वर्ट कर लो। अगर आप ऐसा कोई फॉर्म कन्वर्ट कर पाते हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है हमेशा वो कितनी हो जाती है, लॉग ऑफ एफ एक्स, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस से, ठीक है। अब बात आती है सर ऐसा कैसे होगा, तो ठीक है देख लेते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। इसमें क्या है ना, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमें एफ डैश एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, देखो ऐसे करोगे, तुम्हारे पास ये वैल्यू है 3x plus 5, राइट, इस 3x plus 5 को तुमने कैसे एक्सप्रेस करना है, कुछ भी ऐसा ना, जैसे लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाट इज दैट, 2x plus 5, ठीक है, 2x plus 10, आई एम सॉरी, दैट वुड बी 2x plus 10, 5 नहीं 10 हो जाएगा ना, 10x है, तो ये मेरे पास आ रहा है, अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात है, और साथ में प्लस में, ठीक है, लैम्डा टाइम्स दिस प्लस दिस। अच्छा अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ, है ना, तो खैर प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज अननेसेसरी दो जगह पे हो जाएगा, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट, जैसे कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 2x लैम्डा और प्लस 10 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। यहाँ से आप बड़े आसानी से बोल सकते हो कि 2x लैम्डा इज इक्वल टू 3x, है ना, कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, x का कोफिशिएंट x से इक्वल होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको ये रियलाइज होगा कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, एंड हेंस यू कैन बी वेरी श्योर दैट लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू तुम्हें पता लग गई तो आप तुम म्यू भी कैलकुलेट कर लोगे, यहीं पे देखो 10 लैम्डा, तो मैं यहाँ पे 10 और इंटू 3/2 बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 15 बोलूंगा ना, सो 15 प्लस म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू पता लगती है क्या, यस इट इज -10, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता लग जाती है, ठीक है। और इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं, लेट्स सी हाउ कैच, चलो यहाँ पे यहाँ ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, राइट इट हेयर एट द टॉप, यहाँ पे ना, यहाँ इसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं लैम्डा म्यू में इसे कन्वर्ट करता हूँ तो ये कैसा हो जाता है, दिस वुड बी लाइक, अगर मैं लैम्डा देखता हूँ तो ये हो गया 3/2, राइट, जो डिनोमिनेटर है, राइट, 3x प्लस 5 को मैंने कैसे लिखना है, लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 10, राइट, इट इज 2x प्लस 10, ओके परफेक्ट, 2x प्लस 10 प्लस म्यू, अच्छा प्लस म्यू, म्यू कितना है मेरे पास, -10, और ये पूरी चीज किससे डिवाइड हो रही है, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, ठीक है। अभी बहुत सारे स्पेशल इंटीग्रल्स और कई चीजें हमें अभी सीखनी है, तो वहां पे हम अभी बहुत सारा कुछ सीखने जा रहे हैं, राइट, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट, दिस इज द थर्ड क्लास। सो यहाँ पे आप अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट तो बड़ा अच्छा सा हो गया, 3/2 के साथ तुम्हारे पास क्या आ गया, 2x plus 10, राइट, और डिनोमिनेटर ये देखो ध्यान से देखो कौन सा फॉर्म है, ये f dash x upon f x का फॉर्म है, राइट, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। अगर आप ध्यान से देखें जो इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास आया है ये कौन सा फॉर्म है, f dash x upon f x का फॉर्म है, ठीक है, जिसकी वैल्यू स्ट्रेट अवे हम लोग सब्स्टिट्यूशन से पहले पढ़ चुके हैं कितनी होती है, ln f x, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट तो बड़ा अच्छा सा हो गया, राइट, और माइनस साइन के साथ अगर आप अलग करो तो माइनस 10 के साथ आपके पास ये कितना आया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, ठीक है। तो खैर अभी ये वाला पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहने का, ओके। हाँ ये जो पार्ट है, राइट, दिस पार्टिकुलर पार्ट, ये तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर कितना हो जाएगा, ln of x square plus 10x plus 7, ठीक है, 3/2 x square plus 10x plus 7। तो एक तरीका ये होता है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का, ये क्या थे हमारे पास, रैशनल फंक्शंस थे। अब बात आती है ये रैशनल फंक्शन क्या है, तो रैशनल फंक्शन में क्या है ना, आपके पास रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऊपर भी एक नंबर होता है नीचे भी एक नंबर होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वैसे रैशनल फंक्शन में आपके पास ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे ना दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है, और देखो इसको भी समझते हैं, राइट।
जैसे ये आपकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हैं, इस बात को ना यहाँ समझते हैं कि रैशनल फंक्शन तो हमें समझ में आता है, राइट? वी अंडरस्टैंड कि रैशनल फंक्शन, ये जितने भी हमारे पास 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सब रैशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी, ऑल ऑफ देम आर रैशनल फंक्शंस, ठीक है? अब बात आती है सर, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है। तो ध्यान रखना, कभी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, राइट? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तुमने बचपन में पढ़ रखा होगा, अगर हमारे पास न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट प्रॉपर, अदरवाइज वी कॉल इट व्हाट? इम्प्रॉपर, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास फर्स्ट में डिग्री कितनी है न्यूमरेटर की? 2। डिनोमिनेटर कितनी है? 2, 1। तो ये क्या है? ये हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये क्या है बच्चों? दिस इज इम्प्रॉपर। यहां मैं सेकेंड की बात करता हूँ, यहाँ पे भी डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, ये भी क्या? ये भी इम्प्रॉपर है, दिस ऑल्सो इम्प्रॉपर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर में इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? अगर मैं थर्ड देखता हूँ तो अरे भाई ये थर्ड भी हमारे पास इम्प्रॉपर, यहाँ 2 है, राइट? फोर्थ अगर मैं देखता हूँ तो हाँ, ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, दिस इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। व्हाई? बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, ठीक है? सिमिलरली सिक्स भी हमारे पास क्या है? प्रॉपर है। सेवेंथ, यहाँ पे तो दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल भी हैं तो भी ये क्या है? तो भी ये हमारे पास इम्प्रॉपर ही होगा, ठीक है? जब कभी भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ओनली देन इट इज प्रॉपर, ठीक है? अगर इक्वल है या ग्रेटर है तो वो क्या है? इम्प्रॉपर है। तो ठीक है, यहाँ से हमें, इस छोटी डिस्कशन से हमें ये समझ में आती है बात कि हमें रैशनल फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब बात आती है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। तो देखो, लेट मी स्टार्ट विथ प्रॉपर, राइट? मैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन से शुरू करता हूँ, ठीक है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन से शुरू करता हूँ। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और इजी है, राइट? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे देखिए, प्रॉपर वाला लेते हैं, लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर करता हूँ। तो अगर आपके पास कभी भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कुछ इस टाइप का, राइट? क्या है ये? 2x-1 और नीचे x-1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, इस मेथड में जब आप पार्शियल फ्रैक्शन, इस मेथड को क्या बोलते हैं जो भी हम सीख रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। इस मेथड में इंटीग्रेशन बड़ी आसान होती है। इट इज द कैलकुलेशन ऑफ अलजेब्रा विच इज स्लाइटली लेंथियर देन द इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है? जो इसका अलजेब्रा वाला पार्ट है उसकी जो कैलकुलेशन है दैट इज स्लाइटली लेंथियर, ठीक है? बट यस, इफ यू आर इन प्रैक्टिस तो इतनी टेंशन भी नहीं है। तो देखो, ये मेरे पास इंटीग्रेशन है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, यानी आप तभी इसको अप्लाई करेंगे जब आपका डिग्री डिनोमिनेटर का ज्यादा होगा, बराबर भी नहीं, ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है? तो मैंने इसको देखा, मैं इसको कैसे लिखूंगा? ए अपॉन, नीचे स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है? बी अपॉन x-1, तुम इसको वाई से वर्षा भी कर सकते थे, यानी कि ए अपॉन x-1 और बी अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल द सेम, ठीक है? बिकॉज ए और बी अल्टीमेटली कॉन्स्टेंट ही हैं, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो रिवर्स हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अच्छा, ऐसा क्या, ऐसे करके क्या फायदा होगा? हमें इसकी इंटीग्रेशन आती है, बिकॉज ए और बी क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है? हमें इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी आती है, अभी हमने देखा भी था कि अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग ऑफ ए टाइम्स लॉग ऑफ x-1, और ये कितना हो जाएगा? -2 है, कितना हो जाएगा? x-1 की पावर -2+1, यानी कि -1/-1, ठीक है? इनटू बी, वट एवर बी इज देयर, ठीक है? चलो मैं करके बताता हूँ, लेट मी डू इट फॉर यू। सो मुझे यहाँ ए और बी की वैल्यू चाहिए। मैं अगर दोनों तरफ सिंप्लीफाई करूँ तो डिनोमिनेटर एलएचएस पे तो जो भी है वो एज इट इज ही है, वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, बट आरएचएस को मैं अगर देखूँ तो ए के साथ मेरे पास क्या आएगा? x-1 आएगा ना, एलसीएम लेने पे। अगर मैं x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ बच्चों, ठीक है, ये 1 है, ओके, ये माइनस है, तो यहाँ पे ओनली बी वुड बी देयर। अब डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम है, अब मैं सिर्फ न्यूमिनेटर को कॉम्पेयर करना चाहता हूँ। सो इधर मेरे पास आता है 2x-1 और इधर है मेरे पास a इंटू x-1 प्लस बी।
देखो दो तरीके से तुम इस तरह की सिचुएशन को डील कर सकते हो, ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे कोफिशियंट्स को कॉम्पेयर कर लो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक्स के कोफिशियंट को कॉम्पेयर करें और कॉन्स्टेंट को कॉम्पेयर करें। दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, ए और बी, विल गेट द वैल्यू। माई सजेशन इज कि इंस्टेड ऑफ कॉम्पेयरिंग द कोफिशियंट, आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे दोनों साइड में एक्स की इक्वल वैल्यूज रख सकते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे b मिल जाएगा। x इज इक्वल टू क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो LHS में कितना आ गया, 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कितना 1। RHS में a इंटू 0 आ गया और ये कितना बचा, b। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू एक बार में ही पता लगती, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें a चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं, x इज इक्वल टू 0 ले लो। जब तुमने 0 लिया तो LHS में कितना आ गया, माइनस 1। RHS में कितना आ गया, दैट इज माइनस a, ठीक है। x इक्वल टू आपने 0 लिया, प्लस b, b कितना है 1। तो यहां से देखो तुम्हारे पास माइनस a की वैल्यू -2 आ रही है, दैट मींस व्हाट इज a, a इज 2। द मोमेंट यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था आपके पास 2x -1 ओवर x -1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला, इसका अलजेब्रा वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा लेंदी होता। अभी ये इजी था तो थोड़ा ज्यादा इजी था, अदरवाइज इसमें थोड़ी लेंदी कैलकुलेशंस भी टाइम एंड अगेन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जहां पे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होंगे वहां पे। तो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया, हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, ए और बी के फॉर्म में, जहाँ हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। ए कितनी है, ए इज 2, राइट। ए के नीचे मैंने क्या रखना है, एक्स माइनस 1, सो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी टाइम्स, बी कितना है बच्चों, b is plus 1, okay, plus 1, and dx upon x minus 1 का whole square. So I'm sure this is something which is integrable, और यहाँ कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। कितना आंसर हो जाएगा, twice of ln x minus 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, वही सबसे वाला रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट अवे हम कर रहे हैं, f of ax plus b का फॉर्म है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास प्लस रखा, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 1। तो नीचे अगर तुम सोचो तो ये जो प्लस साइन है इसको क्या बना देगा, ये माइनस बना देगा। तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और साथ में प्लस सी, ठीक है। मुझे बताओ ये चीज समझ में आती है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेल मी क्विकली, सो आई बिलीव दिस इज फाइन, राइट। नाउ यू हैड अ क्वेरी कि सर इसको लॉन्ग डिविजन से भी कर सकते हैं ना, तो ध्यान रखना लॉन्ग डिवीजन से सिर्फ और सिर्फ आप तभी करोगे जब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। दैट मींस द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ईदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ओनली देन यू विल गो फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड। अदरवाइज इट वोंट टेक यू टू एनी आई मीन यू नो राइट वे टू सॉल्व एंड डील विद दीज क्वेश्चंस। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इम्प्रॉपर का बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। लॉन्ग डिवीजन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टूल होता है व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वेश्चंस जहां की हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। तो कोई भी इम्प्रॉपर ले लो, लेट से रैंडमली मैं ये थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। अब ये क्या इम्प्रॉपर है, वाई, बिकॉज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग हमेशा लॉन्ग डिविजन करने का सजेशन देते हैं, आपको ये सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप हमेशा पहले यहाँ लॉन्ग डिविजन करके इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें। अब देखो क्या मतलब है, ये मैं ऐसे रफ वर्क कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ऐसे रफ में एग्जाम में भी ऐसे, हालांकि अभी तो चलो एमसीक्यू टाइप ही होगा, टेंशन ही नहीं है, बट अभी तुम्हें इस तरीके से ये समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके और अच्छे मेथड भी हम सीखेंगे, राइट। स्पेशल इंटीग्रेशन बहुत कुछ है अभी सीखने को, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, लेकिन अभी एट दिस स्टेज दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो क्या करते हैं, बड़े वाले पार्ट को कैंसिल करते हैं। तो क्या करना चाहिए मुझे, एक्स बाई थ्री यहाँ पे कोशेंट पे लेना चाहिए। एक्स बाई थ्री अगर मैं कोशेंट लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास आ गई यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स बाई सिक्स, ठीक है ना, 2x/3, दिस इज व्हाट 2x/3, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, सो दिस इज गॉन और एक्स माइनस 2x/3 कितना हो गया बच्चों, x/3 आ गया, साथ में कितना आ गया प्लस। तो ये एक्स बाई थ्री को भी मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि 1/9 से ना कोशेंट एक बार फिर से 1/9 ले लेता हूँ। 1/9 लूंगा तो अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, एक्स बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। और 1/9 लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2/9 हो जाएगा। अब ये मैंने सब्सट्रैक्ट किया, दिस इज गॉन, 5 माइनस 2/9, ये कितना हो जाएगा, 45 में से 2 गया तो
तो मेरे ख्याल से 43/9, ठीक है। अब शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी इस तरीके के, मैंने क्या बोला, अलजेब्रा इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल नहीं है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट, मैं डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो क्या है, इसका अलजेब्रा वाला पार्ट है। तो ध्यान से देखना, अलजेब्रा वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव ओवर 3x प्लस 2। लॉन्ग डिविजन से हमें क्या पता लगता है कि कोशेंट लिखेंगे, कोशेंट लिखेंगे, ये हमारे पास कोशेंट है, राइट, प्लस रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर, 43/9 डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, व्हाट इज दैट, इट इज 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये जो आपका अलजेब्रा वाला पार्ट है, आपने इसको लॉन्ग डिविजन से अब क्या करा, अब देखो x by 3 को इंटीग्रेट करना इज नॉट अ बिग थिंग फॉर एनीवन, 1/9 अगेन द सेम थिंग, 43/9 अपॉन 3x/2 अगेन इसको इंटीग्रेट करना भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट, तो अब हमें कोई भी परेशानी होने जा रही है क्या? सर्टेनली नो, राइट। तो कभी भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वहां पे लॉन्ग डिविजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कन्वर्ट इनटू एन इंटीग्रेबल फॉर्म, इंटीग्रेबल फॉर्म। तो अब x by 3 के लिए क्या बोलोगे बताओ, 1/3 तो बाहर ही है, इसका कितना हो जाएगा, x square upon 2, यानी कि मैं x square by 6 बोल दूं क्या? और 1/9 के लिए क्या बोल दूं, x by 9 बोल दूं ना, ठीक है। 3x/2 कौन सा फॉर्म है, ये लॉग वाला फॉर्म दिख रहा है, 43/9 को तो बाहर ही रहने दो, कॉन्स्टेंट है, ये कितना हो जाएगा, ln 3x/2 अपॉन 3, सो अपॉन 3 विल कम इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड दिस वुड बी द आंसर, फाइनल आंसर हमें क्या बोलना चाहिए, x square upon 6 plus x by 9 plus 43 upon 27 natural log 3x plus 2 plus c, ठीक है। इस तरीके से हम अगर कोई improper rational function आ रहा है तो उसको हम ऐसे deal करेंगे। चलो मुझे एक question करके बताओ, अगर आपको ये बात समझ में आई है, so I think it's time for you to try one question. Tell me the answer for question number 5. I give you 2 minutes and then I'll discuss this. Okay, so I'll be taking up the fifth part first of all. See, indefinite integration, मैंने time and again आपसे कहा है, यहाँ पे बहुत scope है कि तुम बहुत innovative और बहुत creative सोच सकते हो। यहाँ पे line of thinking same होना जरूरी नहीं है। हाँ, डिफरेंट मेथडोलॉजी की अगर आपको अच्छी समझ है और आपने ठीक से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत अलग हो सकती है, जो मैंने बताया या किसी और टीचर ने बताया, आप उससे अलग भी सोच सकते हो, कंडीशन अप्लाइड कि आप उसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को सही सही अप्लाई करो। यहाँ इस क्वेश्चन में आप लॉन्ग डिविजन से इसको कन्वर्ट करते पार्शियल में, है ना, आई मीन प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते, या फिर तुम किसी और तरीके से भी सोच सकते हो। देखो मैं तुम्हें सोचने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ, पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सो मैं चाहूंगा कि किसी भी तरीके से ना x प्लस वन कुछ क्रिएट हो जाए, राइट, x प्लस वन क्रिएट हो जाए, तो मुझे लगता है अच्छा x स्क्वायर है, 3x है, अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस टू होता, क्या होता, प्लस टू होता, तो मैं इसको x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन के फॉर्म में लिख लेता, है ना, तो एक तरीका तो ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है। आओ चलो करके देखते हैं, राइट, मैंने क्या बोला, जितने भी इनोवेटिव तरीके हैं तुम सब यहाँ पे सोच सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब बात आती है सर प्लस टू कैसे कर सकते हैं, तो भाई कोई बात नहीं, प्लस टू कर रहे हो तो माइनस टू भी कर लो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, प्लस 2 किया तो माइनस 2 भी करूंगा, माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस 3 आएगा, ठीक है, माइनस 3 आएगा, डिवाइडेड बाय जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर है वो मैंने एज इट इज रखा। हमारे पास बहुत स्कोप है अलग अलग तरीके को अप्लाई करने का, राइट, यही अच्छी बात है हमारे पास किसमें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो जाता है। अब नाउ दिस इज फैक्टराइजेबल एंड दैट टू इट हैज एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और साथ में कितना है एक्स प्लस टू, ठीक है, नीचे तुम्हारे पास क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको अलग कर लो, राइट, ये थ्री वाला पार्ट अलग कर लो, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, माइनस थ्री और dx अपॉन कितना आ गया बच्चों, x प्लस वन का होल स्क्वायर, सो दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ दैट।
यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर वाला पार्ट जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, ध्यान से देखो ना, x प्लस टू है, इसको तुम फर्दर कैसे लिखना चाहोगे, तुम लिखोगे x प्लस वन प्लस वन, राइट, x प्लस वन प्लस वन। तो इससे क्या हुआ, तो मैंने बोला ना बहुत सारे तरीके से लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं क्रिएटिवनेस शो करने के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इतना ज्यादा स्कोप किसी और टॉपिक में नहीं है जितना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में है। बहुत सारे एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, x प्लस वन को अलग कर लो, फिर से x प्लस वन अलग कर लिया, तुम्हारे पास बचा क्या, सिर्फ dx, और यहाँ पे कितना आ गया, वन अपॉन दिस, यानी कि dx अपॉन x प्लस वन, ठीक है, एंड माइनस थ्री। तो यहाँ पे बिना तुमने लॉन्ग डिविजन के तुम ऐसे भी सोच सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन तो सबको पता ही, कितनी हो जाएगी, dx का हो गया आपके पास x, इसका कितना हो गया ln x प्लस वन, ठीक है, और ये कितना हो गया, माइनस थ्री है, भी नीचे माइनस वन आएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, कितना, थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, दैट्स ऑल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। सिमिलरली अगर आप ये फोर्थ क्वेश्चन भी करके देखें, आइए फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं, राइट, अभी क्लास नोट्स में शेयर कर दूंगा आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन भी सोचते हैं, अगेन लॉन्ग डिविजन से तो खैर यहाँ पे करना ही नहीं है, हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, राइट, यानी कि ऑलरेडी प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको मैं स्ट्रेट अवे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ और सोच के यहाँ पे एक्स माइनस वन भी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ, मर्जी है, राइट, यू हैव द चॉइस, नो प्रॉब्लम। आओ चलो सोचते हैं, लेट अस थिंक अबाउट इट। सो फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं प्रॉपर फंक्शन से करता, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कर, दोनों तरीके से करता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, देखो, तो अगर मैं इसमें प्रॉपर यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन से करता, तो मैंने क्या बोला था, अलजेब्रा वाले पार्ट पे ध्यान देना। तो ये कितना है तुम्हारे पास, 2x plus 3 upon x minus 1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे ब्रेक करोगे, a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 का होल स्क्वायर। अगेन बिल्कुल वैसे ही, दोनों तरफ एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, सिर्फ ऊपर फोकस कर लो, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आपके पास आ रहा है a into x minus 1, और यहाँ पे सिर्फ b रह जा रहा है। x is equal to 1 रख लीजिए, कितना आ गया, b is equal to 3 आ गया, ठीक है, x is equal to 1 लिया तो b is equal to 3 आ गया। अब की बार x is equal to 0 रख लो, x is equal to 0 रखा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, हाँ यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 1 लिया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, 3 plus 2 is 5, ठीक है, x is equal to हमने 1 लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 plus 3 5, और ये वाली चीज 0 हो गई, ठीक है। अब की बार x is equal to 0 लेते हैं तो ये मेरे पास 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया a into minus 1 plus 5, 5 कितना है बेटा, b हमारे पास कितना है, b is 5, ओके, दैट मीन्स माइनस a is equal to minus 2, can I say that a is equal to 2, yes. So अभी इसको इंटीग्रेट करना is not a problem for anyone among you, this would be what, a upon x minus 1, a कितना निकाला, 2, तो ये आ गया 2, और ये कितना हो गया, dx upon x minus 1 का whole square, और b कितना है, 5, so that is 5 upon dx upon x minus 1 का whole square. इसको आप, ये मैंने होल स्क्वायर ए के साथ होल स्क्वायर नहीं था ना, ए के साथ सिर्फ तुम्हारे पास एक्स माइनस वन था, बी के साथ होल स्क्वायर था ना, लुक हियर, सो दिस वुड बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ एल एन एक्स माइनस वन, राइट, मॉडुलस में हमेशा लॉग को रखेंगे, और ये कितना देगा हमें, माइनस साइन हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस टू प्लस वन जब आएगा तो ये वैल्यू आपको क्या देगी, माइनस साइन देगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते थे। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका जो मैं, हालांकि वीडियो फिनिश हो रहा है बट फिर भी मैं जल्दी से करना चाहूंगा, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कल मिलेंगे। तो देखिए इसका एक ऑल्टरनेट तरीका जो मैं बताना चाह रहा था, वो क्या बताना चाह रहा था, जैसे कि 2x plus 3 है, मैं इसको लिखूंगा